प्रणाम, छोटो को राम राम। क्या खाऊं क्या बनाऊं के सफर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आ गया हूं दिल्ली के चटोरे की शॉप पे। तो यहाँ पे फिर गोलगप्पे वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ अंदर और आपको बात करवाता हूँ। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे गोलगप्पे रखे हुए हैं, यहाँ पे टिक्की बनी रखी हुई हैं, यहाँ पे कचौड़ियाँ हैं। और मैं इसी तरीके से अंदर आऊँगा और आप देख सकते हो शॉप को किस तरीके से भैया ने बना रखा है। हाँ, हमारे भैया बैठे हुए हैं। भाई राम राम, क्या हाल है भाई? सर ये 5 महीने हो गए। हाँ जी, क्या क्या प्रोडक्ट है भैया? प्रोडक्ट हमारे यहाँ गोलगप्पे है, टिक्की है, बल्ले पापड़ी है, पापड़ी चाट है, आलू चाट है, राज कचौड़ी है, अप्पे हैं। फेमस क्या है भैया? फेमस हमारे राज कचौड़ी और अप्पे हैं। एक बार ट्राई कीजिए, आपने कहीं ट्राई नहीं करेंगे। चलिए ट्राई करते हैं और मेकिंग दिखाता हूँ मैं आपको, कोशिश करता हूँ दिखाने की मेकिंग। लिए हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं भैया? सूजी। सूजी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सूजी के बाद क्या ले रहे हैं भैया? दही। दही दही। अच्छा भैया, जो इसमें हम सूजी इस्तेमाल करते हैं वो रवा सूजी या मोटी सूजी? मोटी सूजी। ओके, तो वो आप देख सकते हो। इसे कब तक करना होता है भैया ऐसे? 5 मिनट। ओके, तो आप 5 मिनट तक भैया कर रहे हैं ये, फिर मैं आपको दिखाता हूँ अगला स्टेप। अच्छा, मिक्स मसाला आएगा। ठीक है, डालिए। ये पीली मिर्चा। अच्छा, ये पीली मिर्च आ गई और अजवाइन डाल दिया। तो भैया आपको पूरी मेकिंग दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये मिक्स मसाला डाल दिया। अब इसको घोल दो, अच्छे से फेंट लेंगे इसे। पानी और मिलेगा भैया इसमें? हाँ, पानी और मिलेगा। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो आपे की पूरी मेकिंग भैया ने हमारे आपको शो कर दी है। क्या नाम है भैया आपका? नाम संदीप है। संदीप भाई ने पूरा शो कर दिया है। शेफ हो आप यहाँ पे? अच्छा, तो दिल्ली के चटोरे पॉइंट पे जब आप आते हो तो यहाँ पे जो आपे की मेकिंग है वो संदीप भाई ने पूरा शो कर दिया है। अब थोड़ा वेजिटेबल। आपे की कॉस्ट कितनी पड़ जाती है भैया? कितने रुपए की होती है आपे? ये 60 रुपए। 60 रुपए में कितने पीस भैया? 8 पीस। 60 रुपए में 8 पीस आते हैं। अच्छा, इसका हाफ भी होता है कि फुल? फुल फुल फुल। और इसमें इनो इनो। अच्छा, फुलाने के लिए भी है? हाँ, फुलाने के लिए। आप पेस्ट हमारा रेडी हो गया? पेस्ट रेडी हो गया। हल्की गैस में करा? हल्की गैस में रखना है इसे। ठीक है, फिर आपको खुद को कैसा लगता है भैया इसका टेस्ट? बढ़िया लगता है। अच्छा, बेहतर है। खा के देखो एक बार, टेस्ट करो। ये भैया ने पूरा में बैटर पूरे इसमें और बटर लगा दिया ना, बटर। आप देख सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको फुल मेकिंग दिखा पाऊँ आपे की और फिर आपको टेस्ट करके बताता हूँ। इसके बाद हमने राज कचौड़ी और पाव भाजी भी दिखाने की, मैं आपको प्रयास करूँगा दिखाने का। और अगर आपको आपकी आपे की मेकिंग समझ आ रही हो, पसंद आ रही हो, तो इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे। हो गया भैया ये? हाँ जी, अभी से कवर कर दोगे? हाँ जी। तो आप देख सकते हो आपे आगे रेडी हो गया है। आगे इस आपे ने कितनी देर टाइम लगता है भैया इसे पूरा बनने में? पूरा बनने में 15 मिनट लगती है। अच्छा, ये देख सकते हो आप। चलिए अब आगे दिखाता हूँ मैं आप। अब मैं आपको राज कचौड़ी की मेकिंग दिखाने जा रहा हूँ और राज कचौड़ी की कॉस्ट भी बताऊंगा और सारी चीज़ें बताऊंगा जो उसमें डलती हैं, दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले हमने एक बड़े से गोलगप्पे को फोड़ लिया है। इसे बड़ा सा गोलगप्पा बोलते हैं और राज कचौड़ी। हाँ। अच्छा, भल्ला। हाँ। पहले भल्ला डालेंगे अब इसमें? डालेंगे। अच्छा, पूरा भल्ला इसी में डाल दिया आपने? अच्छा, कितने रुपये कॉस्ट है इसकी भैया? 90 रुपीज इसकी कॉस्ट है। तो देखते हैं हम 90 रुपीज के हिसाब से इसमें सामान डलता है या नहीं डलता, दिखाता हूँ मैं आपको। मोट डाल दी। ये क्या डाल दिया आपने? मोट। अच्छा, तो आप देख सकते हो पहले भैया ने इसमें भल्ला डाला, फिर छोले आलू डाले, फिर मोट डाला और भैया ने इसे अच्छे तरीके से फिल कर रखा है। अब हम डालेंगे इसमें काला मसाला।
डालेंगे चाट मसाला। अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। ठीक है भैया, पापड़ी। अब इसमें डाल दिया हमने पापड़ी। पापड़ी, पापड़ी भी आ गई। अब तो अब भैया इसमें क्या क्या डालेंगे मैं और दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम डालेंगे हरी चटनी। हरी चटनी, ठीक है भैया, हरी चटनी आ गई। मेरे हिसाब से भैया इसे 90 रुपये का बना के देंगे, बढ़िया करके देंगे। इसमें रेड चटनी, लाल वाली लाल चटनी आ गई है। क्या बात है, मीठा दही। मीठा दही है, अच्छा। और भैया ने दही डालने में कोई भी कंजूसी नहीं करी है, और इसे अच्छे से दही से आप देख सकते हो नहला दिया है, पूरी बढ़िया तरीके से दही से नहला दिया है। आखिर 90 रुपीस ले रहे हैं तो भैया बढ़िया चीज़ बनाने के देने की कोशिश तो करेंगे। हरी चटनी, हरी चटनी दोबारा आएगी उसके बाद भैया। अब इसमें लाल चटनी डल रही है, तो देखने में मैं बता रहा हूँ मेरे को तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत टेम्पटिंग सा लग रहा है ये। प्लेन वाली भुजिया, प्लेन भुजिया। तो अब देख सकते हो भैया ने भुजिया भी डाल दी है बढ़िया तरीके से इसे एकदम से। टेस्ट तो आपको मैं करके बताऊंगा, बाकी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। क्या भैया? बूंदी बूंदी। ओके, ये डल गया इसमें चुकंदर। चुकंदर भी डाल दिया है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अब मैं आपको बता सकता हूँ, आप यहाँ पे आके अगर आप दिल्ली के चटोरे पॉइंट पे आ रहे हैं तो आपको राज कचौड़ी तो जरूर ट्राई करना चाहिए। आपने इसमें अनार भी डाल दिया ना भैया? और अब देखो किसी के भी मुंह में पानी आ जाए, इतना बढ़िया लग रहा है, इतना टेस्टी लग रहा है। ऐसी चीजों को देख के अपने आप मुंह से निकल जाता है, वाओ बहुत बढ़िया लग रहा है। अब मैं आपको पाव भाजी की भी मेकिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पे भाजी हमारी तैयार हो रही है। ये पाव भाजी की क्या कॉस्ट है भैया? 80 रुपए। तो देखते हैं, अब यहाँ पर पाव को अच्छे से सेक लेंगे। भाजी वहाँ पे हमारी गर्म हो चुकी है, और यहाँ पे पाव को भैया अच्छे तरीके से सेक रहे हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से भैया ने बटर लगा लिया है तवे पे, और तवे से बंद को सेका जा रहा है अमूल के बटर से। क्या बात है, पूरे अच्छे तरीके से बटर से नहला दिया है बंद को। बस और लगता है क्या इसने? बटर को अच्छे, बटर में अच्छे से सेक रहे हैं भैया बंद को। और ये हमारी भाजी की प्लेट रेडी हो रही है। अब देख सकते हो इसमें भाजी की क्वांटिटी, देख सकते हो आप कितने अच्छे तरीके से भैया दे रहे हैं 80 रुपीज में। भाजी की क्वांटिटी डालने के बाद मैं बता सकता हूँ कि ये 80 रुपीज वर्थ है। और टेस्ट करके अब आपको मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और ये देख सकते हो आप किस तरीके से पाव ने गोल्डन कलर ले लिया है। ये डल गया बटर, अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है पाव देखने में। और ये प्लेट हो गई हमारी रेडी। यहाँ पे आप शायद अनियन डालोगे सैलेड वगैरह। और ये पनीर भी आ गया है। तो अब तो ये पूरा 80 रुपये अदा है पूरे। चलिए अब सब टेस्ट करके बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत टेम्पटिंग सा है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। इतना सुंदर लग रहा है, नाम भूल गया मैं, क्या बोलते हैं, राज कचौड़ी। तो अब देख सकते हो बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। अगर राज कचौड़ी को 10 में से नंबर देने होंगे तो फुल लेवल। और दूसरा हम टेस्ट करेंगे आपे, आपे को चटनी के साथ टेस्ट करेंगे। टू गुड भाई,
मजा आ रहा है। आपे को भी फुल नंबर है। तो दिल्ली के चटोरे पे अगर आप आए, एड्रेस मैं अभी भैया से पूछ के बताता हूँ, राज कचौड़ी और आपे तो जरूर ट्राई करें। और जो मुझे मोस्ट ये ना 80 रुपये की कॉस्ट है, और 80 रुपये के हिसाब से भैया ने जो भाजी की क्वांटिटी दी है और प्याज दे रखा है, नींबू दे रखा है, चटनी दे रखी है, मजा आ गया भाई। आप भी आए और ट्राई करें ये सारी चीजें, मेरे को तो बहुत पसंद आया, हो सकता है आपको भी आए। तो अब भैया टेस्ट करने जा रहा है सारी चीजें, मैंने आपको मेकिंग तो दिखा दी है, टेस्ट अभी कर रहा है हमारा। बहुत ठंडा ठंडा एकदम बढ़िया, मजा आ रहा है खाने में। 90 रुपए की सब्जी कैसी है भाई? बहुत अच्छी, स्वादिष्ट है भाई, स्वादिष्ट। और भर के दे रखा है भैया ने पूरा। हेलो, आप ठीक है? बहुत स्वादिष्ट। तो दूसरा आपे की तरफ बढ़ते हैं। आपे की जो कॉस्ट है वो आपे कितने रुपए का है? 60 रुपए की 8 पीस। ये कुछ अलग है, मैंने पहली बार ट्राई किया और खाने में ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, पर हाँ ठीक है खाने में। तो ये मेरे तो फेवरेट है मेरी। कॉस्ट के हिसाब से भाजी तो बहुत ज़्यादा बढ़िया दी है उन्होंने, देखे हैं टेस्ट देखते हैं इसका। ये भी बहुत टेस्टी है भाई, जो भाजी का टेस्ट आ रहा है इतना बढ़िया, इतनी अच्छी लग रही है, सही मसाले डालो मैं एकदम अच्छा लग रहा खाने में, बढ़िया बढ़िया। ये दोनों तो एकदम फेवरेट चीज, पाव भाजी और ये पाव भाजी और फुल नंबर, फुल नंबर। भाई से आपको एड्रेस पूछ के बता देता हूँ, भाई ने भैया ने हमें 3-4 चीजें ट्राई करवाई हैं, और एड्रेस बता दो भैया आप यहाँ पे। एड्रेस है 822 गणेश नगर पांडव नगर कॉम्प्लेक्स, हनुमान मंदिर रोड, हनुमान मंदिर रोड में। क्या नाम? दिल्ली चटोरा पॉइंट, दिल्ली के चटोरे। तो आप यहाँ पे आए और जरूर ट्राई करें 3 चीजें, और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ वो 3 चीजें, आपे और राज कचौड़ी, और खाया है हमने पाव भाजी। तो आप यहाँ आए और ट्राई करें।